ये बता रहा था मैं आपको कि परिवर्ती प्रतिरोध कुछ नहीं होता है, बेसिक प्रतिरोध के आगे क्या लगा दिया, एक एरो बना दिया बस, है ना, या फिर इसी एरो को जो है वो उल्टी तरह से इस तरह से दिखा दिया। ये क्यों दिखाया हुआ है, थोड़ा सा वेट करो, आपको परिवर्ती प्रतिरोध जब रियल में देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये पत्ती जैसे इन्होंने इसमें ऐसा क्यों लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सिंबल याद रखना बस, कि आपको पूछना है ओम का नियम जब परफॉर्म करोगे। उसके बाद जो है वो एमीटर, एमीटर से क्या नापते हैं, विद्युत धारा के वोल्टेज, बीच में ए लिखा हुआ है, विद्युत धारा। बहुत सही, विद्युत धारा मतलब एम्पियर में नापते हैं अमीटर को। सिंपल ऐसा गोल लिख के बीच में ए लिख देना है, और वोल्ट मीटर के लिए क्या लिख देना है, वी लिख देना। तो सिंपल से बस इसी सिंबल का यूज करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, जैसे एक आपने पंखे में कंडेंसर लगता है देखा होगा कई बार, ऐसा गोल जैसा रहता है प्लास्टिक का, हर पंखे में लगा हुआ दिख जाएगा, ऐसा गोल सफेद सफेद दिखाई देता है ना, और उसके दो तार निकले रहते हैं, उसको नॉर्मली लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर नाम सुना होगा आपने, इस कंडेंसर का यूज करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिक में पढ़ोगे 12th क्लास में भी देखोगे, इस कंडेंसर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, संधारित्र, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपेसिटर, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। इसका भी सिंबल होता है कैपेसिटर, इसका भी सिंबल होता है। इसमें क्या करते हैं, बैटरी के जैसे हम दो डंडे बनाते थे ना, एक बड़ा एक छोटा, इसमें दोनों बराबर बना देते हैं, ये कैपेसिटर का होता है। एक और होता है 12th क्लास में पढ़ोगे, इंडक्टर, जिसको प्रेरक तो बोलते हैं, उसमें ऐसी कॉयल बना देते हैं, ऐसी कॉयल जैसी रहती है ना, एक ये रहता है। तो ये बेसिक सिंबल है जिसके बारे में, इन दोनों के बारे में आपको नहीं जानकारी चाहिए, 12th क्लास में आएगा, जब की जब देखना, अभी जरूरत नहीं है। इन सब के बाद जो है वो हम ओम का नियम पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि हम ये सर्किट बनाना सीख जाते हैं, ये सर्किट बनाना सीख जाते हैं, जिसके कारण से हमको समझ में तो आया कम से कम कि सर्किट में है हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है ना, इसलिए हम विद्युत परिपथ बनाने की कोशिश करते हैं। एक विद्युत परिपथ कुछ पहले देख लेते हैं इंटरेस्टिंग से, जिसके कारण से आपको जो है वो चीजें समझ में आने लगे। 2 सेकंड दो बस, यू कैन नॉट मिनिमाइज रिज्यूम व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग। गूगल पे लिखते हैं सम बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो पहले सीरीज सर्किट ही दिखा दिया उन्होंने। कोई इंटरेस्टिंग सा मॉडल बताओ, थीफ डिटेक्टर देखे, PIR बेस्ड सिक्योरिटी अलार्म सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मतलब वही विद्युत परिपथीय डायग्राम। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कुछ भी बनाना हो आपको, कुछ भी बनाना हो, चोर पकड़ने की मशीन बनाना हो, हीट सेंसिंग मतलब आप कमरे में जाओ और बल्ब अपने आप चालू हो जाए, उसको बोलते हैं हीट सेंसिंग डिवाइस, या हीट सेंसिंग बल्ब बोलेंगे। आप चाहते हो कि क्लैप स्विच बनाओ आप, जैसे आप जैसे ही क्लैप बजाओ कमरे में जाते से बल्ब या पंखा चालू हो जाए, या आप जो है वो ऐसी चीज बनाना चाहते हो कि आप जो है बाथरूम की लाइट जो रहती है वो मोशन वाली लाइट, जैसे ही हम डोर खोलें वैसे ही लाइट चालू हो जाए, वैसे ही जो है वो बंद हो जाए, ये सब के सर्किट रहेंगे, सब इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहेंगे जो कि आपको जो है वो बनाना पड़ेंगे, वो उसके सर्किट डायग्राम सब मिल जाएंगे, पूरे के पूरे मिल जाएंगे। बस आपको क्या खरीदना है, वो सारी की सारी चीजें खरीदना है और उसको उस सर्किट के हिसाब से जमाना है। इसलिए ये सर्किट डायग्राम जो है वो देखो रियल में चीज ऐसी दिखती है, जब आप प्रोजेक्ट बनाने देखोगे, ये आर्डिनो बेस पर प्रोजेक्ट है, इसमें ये वाला जो है वो PIR सेंसर लगा हुआ है ना। PIR सेंसर क्या होता है, कभी बात करेंगे, बच्चों ने बनाया है वैसे, लेकिन यहाँ पर देखो ये रियल में ऐसा दिखता है, और जब इसको हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, इसी चीज को हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ताकि जो हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं उसकी स्टडी कर सके, साथ ही साथ कोई और बनाना चाहे तो उसके लिए आसान हो जाए, तो इस सर्किट को पढ़ना आना चाहिए। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये विद्युत परिपथ है, ये पढ़ना आ गया तो 10th क्लास में आपने विद्युत सर्किट पढ़ना सीख लिया। देखो इसको ध्यान से देखोगे यदि आप, तो अब इसमें से कई चीजें आपको पता नहीं होंगी क्या चीज क्या होती है। जैसे ये देखो, ये डायोड लगा हुआ है, D1 लिखा हुआ है ना, डायोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये PIR सेंसर लगा हुआ है, ये एक C1 कैपेसिटर लगा हुआ है, कितना 200, यहाँ तक कि उनकी
इकाई तक दी हुई है, देखो कितने माइक्रोफेरेट का लगाना है कैपेसिटर। डायोड कौन सा लगाना है, उसके नीचे ये नाम लिखा हुआ है IN4148। PIR सेंसर, PIR नाम, PIR सेंसर के नाम से ही बिकता है मार्केट में। ये आर आर वन लिखा हुआ है, सी टेक्स्ट, मतलब उन्होंने जो है वो टेक्स्ट में लिख के रखा है कि आर वन कितने ओम का चाहिए, रेजिस्टेंस जो है वो ओम में रहता है। एक जो है ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC337, BC337 एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद एक और यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर LED लगी हुई है। देखो आप डायोड का सिंबल ये होता है और LED का सिंबल ये होता है। आप बोलोगे भाई आपने ये तो हमको पढ़ाया नहीं, ये आपके उसमें है नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं, ये मैं एक्स्ट्रा चीजें दिखा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है और आपको पता होना चाहिए। LED सभी ने देखी है, इस तरह की LED आती है, उसको ध्यान से देखोगे यदि आप, तो दो टांगे निकली रहती है उसकी, एक टांग में एक झंडा बना रहता है ऐसा, और दूसरी टांग ऐसी नीचे रहती है। प्लास्टिक कलर की LED आती है, लड़कों ने तो देखी ही होगी और यूज भी करा होगा। उस LED को गणित मतलब सिंबल के रूप में ऐसा बनाते हैं, एक त्रिकोना बना दिया, कैसा बनाते हैं, ऐसा ऐसा त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज के नोक पे एक डंडा बना दिया, और यहाँ से जो है वो ऐसी ऐसी एरो बना दी। ये क्या दिखाएंगी, ये लाइट जाती हुई दिखाएंगी कि LED से जो है वो लाइट रे निकल रही है। अगर ये दोनों नहीं बनाई है, ये सिंपल सा ऐसा बनाया हुआ है, तो ये डायोड कहलाएगा, है ना। डायोड में अब यदि हमने यहाँ पर भी बना लेते हैं कई लोग ऐसे एरो, या फिर यहाँ पर भी बना लेते हैं, कहीं पर भी बना देते हैं, ये एरो बना दी मतलब वो LED का सिंबल हो जाता है। स्पीकर का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये स्पीकर है ना, जो सायरन लिखा हुआ है 12 वोल्ट का। ये जो है एक ट्रांसफार्मर जैसा लगाया हुआ है, ये जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना। और ये रिले, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रांसफार्मर नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, मैंने ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पर जो है ये रिले लगाई हुई है। अब रिले भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो कि एक तरह से हमारे जो हम ये जो छोटे छोटे सर्किट बनाते हैं ना, आप देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना लिखा हुआ है, 12 वोल्ट, है ना, 12 वोल्ट लिखा हुआ ना, ये भी 12 वोल्ट है। हमारे जितने भी ये छोटे छोटे इक्विपमेंट है ना, ये छोटी जैसे बैटरी पर चल जाते हैं, बिल्कुल आसानी से बैटरी पर चल जाते हैं। लेकिन कई हमारे बड़े सर्किट जो होते हैं, वो घरों में जो बिजली आती है वो अलग होती है, और जो बैटरी से बिजली मिलती है वो अलग होती है। जिसको हम बोलते हैं बैटरी से मिलने वाली धारा, करंट को बोलते हैं DC करंट, या फिर डायरेक्ट करंट, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। और जो घरों में आती है वो AC होती है। इन AC और DC के बारे में जो है वो हम चर्चा करेंगे, चैप्टर में आएगा धीरे धीरे, तो हम चर्चा करेंगे। AC जो है वो थोड़ा सी ज्यादा ज्यादा वोल्टेज की रहती है, DC कम वोल्टेज की रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि DC कम खतरनाक है, दोनों ही खतरनाक है, AC हालांकि ज्यादा खतरनाक है। तो AC और DC में हम अंतर देखेंगे, है ना। ये DC कहाँ से मिलती, बैटरी से। AC घरों में आती है, जो हमारे सॉकेट होते हैं ना, उसमें उंगली डालोगे तो AC मिलेगा। डालना मत भैया जी, किसी से ये नहीं बोल रहा हूँ कि सॉकेट में उंगली डाल दो, लेकिन हाँ कभी आपको कूलर से करंट लगा होगा सुधारते समय, या सीरीज सुधारते समय, लाइट की सीरीज सुधारते समय करंट लगा होगा, तो आपने AC करंट महसूस किया होगा, है ना। वो AC करंट होता है, घरों में आने वाली धारा जो है वो AC धारा होती है। तो ये कुछ सर्किट है। कोई कोई इंटरेस्टिंग सा बताओ सर्किट, जिसको आप जानते हो या फिर आप जो है बनाना चाहते हो। ऋषि बता सकता है, या जय या जीत, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट आप बनाना चाहते हो तो मुझे बताओ, अपन सर्किट देखेंगे उसका। लाइट, जैसे आप लाइट डिटेक्टर मशीन बोल सकते हो कि लाइट डिटेक्टर मशीन कैसे बनाएंगे, या फिर क्लैप स्विच कैसे बनाएंगे, ऐसे कुछ कुछ भी तरह का आप बताओ, कोई सा भी सर्किट जो बनाना चाहते हो आप भविष्य में, मैं उसी को सर्च करके बताता हूँ डायरेक्ट। भैया क्लैप स्विच ही बताइए। क्लैप स्विच ही बताऊं, चलो ठीक है, क्लैप स्विच देखते हैं। कुछ नहीं करना है, गूगल पे आपको लिखना है क्लैप स्विच सर्किट डायग्राम। जैसे लिखोगे आप, आपके पास हजारों डायग्राम मौजूद रहेंगे, हजारों, एक नहीं, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग, ये देखो यहाँ पर बनाया हुआ है, एक IC से बनाया हुआ है। ये देखो इस सर्किट की बात करें यदि हम, तो यहाँ पर जो है इस सर्किट को आप ध्यान से देखोगे तो इसको आपको पहचानना आना चाहिए कि आपने जो जो चीजें पढ़ी वो दिख रही है कि नहीं। यहाँ पर इन्होंने रेजिस्टेंस का वही अलग बनाया हुआ, दूसरा सर्किट दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो है वो इन्होंने कौन कौन, अब इसमें सर्किट पहचानना तो आना चाहिए, कौन से कंपोनेंट लगे हुए, आपने कौन कौन से पढ़े हुए। देखो ये रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। मैंने कैपेसिटर भी बताया आपको जस्ट, कि कैपेसिटर के दो डंडे होते हैं बराबर बराबर। ये देखो कैपेसिटर दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है, ये IC है, कलर काली कलर की IC देखी होंगी आपने, ऐसी काली कलर की रहती हैं, ऐसी डब्बे जैसी, कहीं ना कहीं तो देखी होंगी पक्का है। इसमें काले का पूरे काले रंग की होती है, कुछ नंबर लिखे रहते हैं, और ऐसी टांगे निकली रहती हैं इसकी, देखी IC। IC कैसी दिखाई देती हाँ है, भैया, हाँ जी, नहीं बड़े रोते हुए बोल रहे हो जैसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो। भैया ऐसी बात है,
इस तरह की होती हैं आईसी, ये पक्के में देखी होंगी आपने, कहीं ना कहीं तो देखी ही होंगी, बहुत यूज की जाती हैं बहुत। ये अलग अलग नंबर की आईसी आती हैं और कंप्यूटर भी जो है इन्हीं से बने हुए रहते हैं। तो ये आईसी है, यहाँ पर जो है ये कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं अभी नहीं पढ़े हैं आपने, है ना? लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे कोई, तो ये सब चीजें मुझे सिखाना है आपको अभी से। ये 12th क्लास की चीजें हैं। ट्रांजिस्टर आप 12th क्लास में पढ़ोगे, कैपेसिटर आप 12th क्लास में पढ़ोगे, आईसी के बारे में 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी से आपको नॉलेज रहेगा तो आप बहुत आगे रहोगे। रिले वगैरह तो पढ़ोगे ही नहीं 12th क्लास में, जब आईटीआई या फिर ग्रेजुएशन करोगे तब पढ़ोगे, और आप अभी से यूज करना सीख रहे होगे तो सोचो आप कितने आगे रहोगे आपकी जनरेशन से, है ना? तो ये मुझे आपको जो है वो ट्रेनिंग में भी मैं सब चीजें सिखाऊंगा। क्लैप स्विच का सर्किट देख रहे थे अपन, इस तरह का क्लैप स्विच बनेगा। ये सबसे सरल सर्किट होता है। अभी इस पे ये मत ध्यान देना कि ये जो है वो ऐसे डब्बे बनाए हुए हैं इन्होंने। कौन से डब्बे? इस डब्बों की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो है वो डब्बे बनाए हुए, ये डब्बे नहीं है बेसिकली बेटा, रेजिस्टेंस ही है ये, है ना? इन्होंने ऐसा डब्बे बना दिए, गलत है ये तरीका, नहीं बनाना चाहिए इनको, लेकिन मानते नहीं है, सुनते नहीं है ना कोई। ये देखो, एक यहाँ पर कंडेंसर माइक लगा हुआ है। कंडेंसर माइक मतलब कि बेसिक माइक जो कि साउंड सुनेगा, उसी से क्लैप बजाएंगे तो उसी से आवाज जाएगी। एक माइक लगाया हुआ है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC547, BC547। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का? 4.7 किलो ओम का। यहाँ 470 ओम का। यहाँ 100 माइक्रोफेरेट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये एक टाइमर की आईसी, 555 आईसी आती है, 555 टाइमर की एक आईसी आती है, बस वही लगाया हुआ है। यहाँ पर एलईडी लगाई हुई है, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर। जैसे ही हम इन सबको जोड़ेंगे, देखो तार संधि दिख रही है, तार संधि वाला जो अपन ने बात करी थी, दो तार यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो डॉट बना दिया, दो तार यहाँ पर जुड़े हुए डॉट बना दिए। कहीं पर भी आपको ये वाला क्रॉस वाला साइन नहीं दिख रहा अभी, जैसे मान लो यहाँ से कोई तार जा रहा है और क्रॉस दिखाया होता तो मतलब इस ये यहाँ से जुड़ा नहीं है, कहीं और जुड़ा हुआ है ना? वो क्रॉस वाला बहुत कम यूज होता हुआ दिखेगा। तो ये चीज जो है, ये हमको सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए, और सर्किट डायग्राम में ये चीजें पढ़ना आना चाहिए। कम से कम हमने 10th क्लास में जो पढ़ ली वो तो आने चाहिए समझ में। तो कभी भी ये डायग्राम देखो ना, अब आज आज आपको एक काम दे रहा हूँ मैं, है ना? फ्रिज के पीछे आपको ये डायग्राम मिलेगा घर में, अगर आपके फ्रिज है। भैया एक पहली बात तो चीज बिगाड़ना मत, है ना? ध्यान से आराम से देख लेना अगर देखना हो तो, और अगर फ्रिज में ना मिले तो आप जो है वो इस पे सर्च कर लेना। यहाँ देखो, आप आपको नाम लिया ना फ्रिज का, देखने की जरूरत ही नहीं, गूगल पे खुद सर्च करो। देखो रेफ्रिजरेटर सर्किट डायग्राम। ओ भाई पचका मत करना, मैंने रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग गलत लिखी, सॉरी। रेफ्रिजरेटर का डायग्राम देखो, थोड़ा सा टिपिकल है मैं भी समझता हूँ, लेकिन देखो कितना शान। अभी इसको अलग अलग रेफ्रिजरेटर के अलग अलग रहेंगे, ये बेसिक डायग्राम, बिल्कुल बेसिक। रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। आपने कौन कौन से पढ़े हुए हैं यहाँ पर, केवल आपको यहाँ पर ये मिलेगा, एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है बस। आपने यहाँ पर जो है वो कॉइल पड़े हैं, तो वो आपने पढ़ा नहीं है, ये आपने पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। जो अर्थ करते हैं ना, अर्थ का साइन ये होता है, ऐसी डंडी डंडी, ऐसी बड़ी डंडी छोटी डंडी, उससे छोटी छोटी डंडी, ऐसे करते जाते हैं। तो देखो कितना टिपिकल जो है वो एक रेफ्रिजरेटर का जो है वो सर्किट डायग्राम होता है। इस प्रकार की डायग्राम की बुक जो है वो इंजीनियर्स को दी जाती है। कोई मैकेनिक अगर फ्रिज को सुधारना चाहेगा तो बिना इस डायग्राम के नहीं सुधार पाएगा। ये बेसिक डायग्राम है, और यहाँ तक कि उसमें पार्ट के नाम भी लिखे हुए हैं कौन कौन से। 3 प्लग कॉर्ड, जिससे हम कॉर्ड लगाते हैं फ्रिज की। सोचो फ्रिज कैसा है और उसका सर्किट डायग्राम कैसा है। यहाँ पर जो है वो इंटीरियर लाइट है, मतलब अंदर की लाइट, फैन मोटर, एक मोटर लगती है उसमें, किसमें? फ्रिज में, वो लिखा हुआ। डोर स्विच, आप देखते हो गेट खोलते हो लाइट चालू हो जाती है, उसकी बंद करते हो तो बंद हो जाती है। डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट, डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट मतलब कि जब हम डिफ्रॉस्ट करते हैं, कई बार जो है वो बर्फ ज्यादा जम जाती है तो पिघलाने के लिए डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, वो बार बार फ्रिज को करना ही चाहिए डिफ्रॉस्ट जो है। आजकल लेटेस्ट फ्रिज में जो है वो ये हटा दिया गया फीचर, अपने आप ही हो जाता है डिफ्रॉस्ट। पुराने में जो है वो बर्फ जम जाती थी बहुत ज्यादा, तो उसको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता था। डिफ्रॉस्ट में क्या होता है, पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाती है और फिर से बंद जमना चालू करती है। अगर ज्यादा बर्फ जम जाएगी तो फ्रिज खराब हो जाएगा। डिफ्रॉस्ट हीटर भी लगा हुआ है, एक हीटर रहेगा जो कि बर्फ को पिघलाता रहेगा, ज्यादा बर्फ नहीं जमने देगा, मतलब पाइपिंग जाम नहीं होने देगा उसके कारण से। अगर ज्यादा बर्फ जम जाएगी तो जिससे गैस आ रही है फ्रिज में, वो पाइपिंग में जो है वो बर्फ जम जाएगी और फिर फ्रिज जो है वो ठंडा नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, है ना? इसलिए डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ओवरलोड रिले लगी हुई है, जब भी ओवरलोड करेगा फ्रिज तो ये रिले जो है वो बंद कर देगी फ्रिज को। स्टार्टिंग रिले लगी हुई है, यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है,
ये सब चीजें कंपोनेंट फ्रिज में रहते हैं, और कोई भी अगर फ्रिज सुधारता होगा तो ये बेसिक डायग्राम के बिना उसको नहीं सुधार सकता। और फ्रिज में हर एक फ्रिज में पीछे की तरफ ये डायग्राम बने हुए रहते हैं, किसमें पीछे बने होंगे, किसी में आगे बने होंगे। और जो साथ साथ जो मैनुअल आता है फ्रिज खरीदोगे तो उसके साथ जो बुक आती है ना, उसमें भी ये डायग्राम बने हुए रहेंगे, क्योंकि मैकेनिकल मैकेनिक जो आएगा सुधारने के लिए अगर कुछ खराब हो जाता है तो इस डायग्राम की मदद से ही सुधार पाएगा, बिना इसकी मदद से सुधार नहीं पाएगा, अनटिल अनलेस यदि वो एक्सपीरियंस्ड वाला कोई मैकेनिक नहीं है। तो अगर उसको एक्सपीरियंस है और उसने देखा हुआ है वो फ्रिज का उस कंपनी का सुधारे हुए, तो फिर वो बिना बुक के भी, बिना डायग्राम के भी सुधार सकता है। लेकिन अगर कोई नौ सीख गया है, कोई नया सीख रहा है, तो इस डायग्राम के बिना वो नहीं सुधार सकता है, ये लिखी हुई बात है ना। तो मैंने आपको बेसिक कुछ सर्किट डायग्राम बनाए, और अगर भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक रहा, कोरोना की थोड़ी सी मेहरबानी रही, तो मैं बहुत जल्दी आपकी इसकी क्लास लगाऊंगा, ट्रेनिंग क्लास रहेगी। ऑफ कोर्स ये जो है वो आपके शेड्यूल डे में नहीं रहेगी, आपके जो वर्किंग या फिर स्टडी डेज रहेंगे उस पर नहीं रहेगी, ये संडे को ही कभी लगेगी और लंबी चौड़ी लगेगी, है ना। हाँ ये है कि ज्यादा बच्चों को परमिशन मिलती है आने की कि नहीं, क्योंकि मैं एक ही बार लगाऊंगा, अलग अलग बैच को नहीं पढ़ा पाऊंगा, और उन्हीं बच्चों को बुलाऊंगा जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, मुझे भीड़ नहीं बढ़ाना है ना। तो केवल उन्हीं बच्चों के लिए जिनका सच में इलेक्ट्रिक में इंटरेस्ट है, बस वही आएंगे, वही यहाँ पर पढ़ेंगे, वही इसको सीखेंगे भी। ठीक, अब जाते हैं वापस बुक पर। ये है एक सर्किट डायग्राम इसका, ओम के नियम का। तो ओम का नियम आज तो पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ ओम का नियम का, जो कि कल देखेंगे हम ओम का नियम है क्या। आज हमने एक चीज रिवाइज करी है, उसके साथ साथ सर्किट डायग्राम के वो भी देखें बहुत सारे। एक चीज हमने जो रिवाइज करी है वो ये कि दो क्वांटिटीज होती है, करेंट और वोल्टेज, विद्युत इलेक्ट्रिक करेंट और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज दो होती है, विभवांतर। इसको बोलते हैं विद्युत धारा, इसको बोलेंगे विभव या विभवांतर। नॉर्मली हम काय की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था, विभवांतर की ही बात करते हैं, विभव की बहुत कम बात करते हैं। और विभवांतर को ही नापते हैं वोल्ट मीटर से, विभव को नापते हैं विभव मापी से। नॉर्मली हम नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में विभवांतर नाप रहे होते हैं, नॉट विभव नाप रहे होते हैं, है ना। और हम जो है वो विद्युत धारा की बात कर चुके हैं। अब एक वैज्ञानिक थे ओम, उनका नाम था ओम, OHM, ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या करा, इन दो क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, इन दो क्वांटिटीज के बीच ये करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन बताया कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने देखा और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या बताया, बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन बताया, इसको आप ही एक्सप्लेन कर सकते हो, वी प्रोपोर्शनल टू आई। आप लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बताया हुआ है मैंने कि प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है वी प्रोपोर्शनल आई होगा तो इसका मतलब क्या है। अगर कोई बिना एक चीज शेयर करे हुए बता दे तो बहुत मजा आएगा मुझे। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, समांतर है आई के, समांतर है आई के, उसका मतलब क्या होगा ऋषि, उसका मतलब ये होगा यदि मैं आई को बढ़ाता हूँ तो क्या होने वाला है वी के साथ, यदि मैं आई को बढ़ाता हूँ तो क्या होगा वी का, आई का मान बढ़ाऊंगा यदि मैं, भी बढ़ेगा। बहुत सही, यदि हम करंट का मान बढ़ाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यही तो दिखाता है, यही तो सिखाया है मैंने और आपको। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, समानुपाती मतलब यदि मैं आई का मान, विद्युत धारा का मान बढ़ाता हूं तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। अच्छा इसका उल्टा करूं यदि मैं, इसका उल्टा करूं यदि मैं, तो इसका उल्टा करूं यदि मैं, तो अगर करंट का मान कम करूं तो वी का मान क्या होगा, कम होगा। इसमें कोई डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन मतलब क्या है, आई का मान बढ़ाओगे वी का मान भी बढ़ेगा, आई का मान कम करोगे तो वी का मान भी कम होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन मतलब जैसा बिहेव इसके साथ करोगे ये अपने आप वैसे ही बिहेव करेगा। इतना हम जानते हैं किसके बारे में, समानुपाती के साइन के बारे में। ओम के नियम ने इन दोनों के बीच रिलेशन बता दिया, और वो रिलेशन क्या था, वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी समानुपाती होता है आई के। बस उन्होंने हिंदी में क्या चेंज कर दिया, समानुपात को अनुक्रमानुपाती लिख दिया, बस समानुपात को उन्होंने क्या टर्म यूज करा, समानुपात की जगह अनुक्रमानुपाती। दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस शब्द का फर्क है, अनुक्रमानुपाती। समानुपात की जगह उन्होंने क्या शब्द यूज किया, अनुक्रमानुपाती। बस ओम ने कुछ भी नहीं किया,
मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया और एक इंपॉर्टेंट टर्म की खोज करी जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल की दुनिया ही बदल गई। इलेक्ट्रिक पूरी वर्ल्ड जो है वो इलेक्ट्रिक का पूरी तरह से हिला के रख दिया उन्होंने इस रिलेशनशिप से। उन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच एस्टेब्लिश कर दिया एक रिलेशन जो कि था वी प्रोपोर्शनल टू आई, और मैंने आपको बताया है और नहीं बताया तो आप फिर सुन लो। जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज होता है इक्वल्स टू के साइन में, साथ में क्या जाता है, एक नियतांक आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है, और वो नियतांक जो है वो यहाँ पर कौन सा होता है, आर होता है, और इसी नियतांक को हम बोलते हैं प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध की खोज किसने करी, एक तरह से प्रतिरोध की खोज करी ओम ने, और इसी के इन्हीं के कारण से, इन्हीं के कारण से इसका इसकी इकाई जो रखी गई, किसकी प्रतिरोध की इकाई जो रखी गई वो क्या रखी गई, ओम रखी गई। ओम नामक वैज्ञानिक ने खोजा था क्या प्रतिरोध को, है ना, और उसी उन्हीं के सम्मान में इसकी इकाई क्या रख दी, ओम रख दी। इसी ओम के नियम को जो है कई लोग, कई बच्चे जो है शॉर्ट के फॉर्म में V इक्वल्स टू आर आई ना बोलकर V इक्वल्स टू आई आर बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में एक कैरेक्टर है आई आर, उसके कारण से ये फॉर्मूला कभी बच्चे भूलते ही नहीं है। V इक्वल्स टू आई आर, इट्स नॉट आई आर, इट्स आई एन आर, बट दे प्रोनाउंस इट लाइक आई आर, गॉट इट, V इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, उनको हमेशा ये फॉर्मूला याद रहेगा, वोल्टेज किसके बराबर होता है, प्रतिरोध और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इस चीज को हम कल और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे, सर्किट के माध्यम से समझेंगे, और किसी चालक तार का प्रतिरोध भी निकालेंगे, ओम का नियम एक उसका वीडियो भी देखेंगे कि ओम का नियम कैसे परफॉर्म किया जाता है। बिल्कुल हम लोग जब क्लास में रहेंगे तो उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे, है ना, कि ओम का नियम कैसे परफॉर्म किया जाता है और किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। हर एक चीज का प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रिकल में, ओम का नियम इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्रतिरोध की जो संरचना हुई ना, जो एक्सप्लेन किया ओम ने प्रतिरोध को, उसके कारण से ही हमें एक तरह से ये पता चला कि जितनी भी चीजें होती हैं इलेक्ट्रिकल में या फिर बर्ड में, दुनिया में जितनी भी चीजें, सबका प्रतिरोध है, सब कहीं ना कहीं किसी हद तक विद्युत का विरोध करती हैं बहने में, विद्युत धारा को बहने में उसका विरोध करती हैं। तो किसी भी चालक तार हो, कोई बल्ब हो, रिमोट हो, आप खुद क्यों ना हो, आप खुद क्यों ना हो, आपका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ही, 100% है, है ना। तो इसी प्रतिरोध क्या होता है कल बात करेंगे ये प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध के लिए पहले हम ओम का नियम देखेंगे, उसके बाद जो है वो प्रतिरोध की क्वालिटी भी देखेंगे, प्रतिरोध क्या होता है, कैसा दिखाई देता है। एक और एक टर्म है इसकी, इसको जो है वो कलर कोडिंग की जाती है प्रतिरोध पे, तो वो कलर कोडिंग कैसे तय की जाती है, ओम में नापते हैं तो क्या किलो ओम में भी होते हैं प्रतिरोध, वो किलो ओम में नापते हैं तो कैसे कैसे उनको कैसे दिखते हैं बड़े प्रतिरोध, है ना, वो सब के बारे में कल हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।